हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत है दोबारा से हमारे चैनल पे। और आज है हमारे भैया जी का जन्मदिन, और इनके जन्मदिन के दिन आज हम कहाँ जा रहे हैं, गेस कीजिए। हम भूतों से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि ये भी भूत से कम तो है नहीं। तो अभी का प्लान कुछ ऐसा है कि अभी हम निकल रहे हैं लंबी देहर माइंस के लिए, क्योंकि भैया का बर्थडे भी है और मैंने आज छुट्टी भी ले ली थी। तो सोचा कि चलो आज ब्लॉग भी कर लेते हैं, थोड़ा सा घूम भी लेते हैं और भैया जी को भक्तों के दर्शन भी करा देते हैं। Baby, this is do or die. Feel it in my veins tonight. Emotional suicide. You know it's a knife for eye. I didn't wanna walk, didn't wanna walk the plank. बात पूछ। ये गाड़ी ने दम तोड़ दिया। देख सकते हैं यहाँ पे किस्मत जब हो समझ जाओ क्या। हाँ, किस्मत थी खराब तो अब क्या कर सकते हैं। गाड़ी की बेल्ट हो गई है, टूट गई है और भैया का बर्थडे अच्छे से मन चुका है। अब यहाँ से वापसी होगी। हैप्पी बर्थडे दीपक भैया। तो कुछ हुआ ऐसा कि हमारी गाड़ी हो गई थी खराब, अभी गाड़ी सही हुई है और हम वापस दोबारे निकल गए हैं जाने के लिए। और रास्ता तो आपको भी जैसे हमने बताया ही था, ये एक किमाड़ी से होता हुआ रास्ता लग रहा है और अभी हम ऑलमोस्ट किमाड़ी के आसपास हैं। और यहाँ से ऑलमोस्ट 19 किलोमीटर्स और है हमारी डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, क्या थी वे बताइयो। One eternity later. इनको कुछ याद नहीं रहता। ठीक है, तो हम जा रहे थे लंबी देहर माइंस। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं हम? लंबी देहर माइंस। देहर माइंस कहाँ जा रहे हैं? लंबी देहर माइंस। हाँ, तो हम जा रहे हैं लंबी देहर माइंस के लिए, जो कि अगर आप गूगल पे भी सर्च आउट करेंगे तो वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है, जिसकी हिस्ट्री के बारे में हम वहीं पे जाके चर्चा करेंगे या बातें करेंगे। बाकी मिलते हैं आपसे आगे ब्लॉग्स में। टिल देन वेट कीजिए। फाइनली अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं हम अभी। जस्ट मेरे पीछे देख सकते हैं आप लंबी देहर माइंस का ओवरऑल रास्ता ये रहा। जस्ट वहाँ पे लंबी देहर माइंस है। आई गेस 2 से 4 मिनट का ऐसा रास्ता है। सो फाइनली हम आ चुके हैं। जस्ट मेरे पीछे आप देख सकते हैं लंबी देहर माइंस, इस जगह का नाम है वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है ये मसूरी में। अभी आपको इसके अंदर का थोड़ा बहुत व्यूज देंगे। आई गेस जो भी यहाँ की रूहें हैं या जो भी यहाँ का वो है उसको डिस्टरबेंस नहीं होगा। और बाकी चलिए आइए, मिलते हैं आपसे आगे। अभी आपने कुछ शॉट्स देखे होंगे यहाँ लंबी देहर माइंस के, और पर्सनली मैं बोलूँ तो मुझे इतना कुछ यहाँ पे ऐसा लगा नहीं। बट अगर आप यहाँ की स्टोरी सुनेंगे तो कुछ चीज़ें हैं जो इस प्लेस को हॉन्टेड बनाती हैं, और वो स्टोरीज आप गूगल पे भी एक बार सर्च करेंगे लंबी देहर माइंस के नाम से, वो आपको अच्छे से मिल जाएंगे और आप उसको स्टोरीज को पढ़ लीजिए। बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अभी यहाँ का बता रहा हूँ।
चूंकि है कि यहाँ पे मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं कि बहुत हॉन्टेड है या कुछ ऐसा, बट ये है कि हाँ काइंड ऑफ एक थोड़ा सा एनर्जीज है जो आप महसूस करोगे यहाँ पे आने के बाद, वो कभी कभी माइंड में हो जाता है क्योंकि आप पढ़ते हो उतना कुछ उसके बारे में, फिर वो दिमाग में चीजें असर देती है, पर मेरे को ऐसा कुछ यहाँ पे लगा नहीं। सो अगर आप आना चाहते तो आइए, ये मसूरी में आइए, विजिट कीजिए, आई गेस आप भी इंजॉय करेंगे यहाँ के व्यूज को। बाकी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और यहाँ पे डिलीवरी बॉय हमारे बाहर जाते हैं। ओ डोमिनोज के डिलीवरी बॉय कर गया। सो टायर्ड राइट नाउ, और अब थोड़ा सा यहाँ पे भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, केक वेक काटते घर में, और उसके बाद फिर एंड करते हैं ब्लॉग को। Happy birthday dear baby, happy birthday, कितना प्यारा केक है मेरे दोस्त के लिए। Happy birthday। बहुत ज्यादा थक गया यार, आज का दिन बहुत ज्यादा लंबा था, सफर ट्रेवल बहुत ज्यादा था आज, प्लस लास्ट में जो अभी केक वेक काटा उसमें भी मेरा पूरी एनर्जी ख़त्म हो चुकी है। चलो ठीक है, इस ब्लॉग को बैंड कर रहे हैं, और जाने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दो यार कैसा ब्लॉग लगा आज का आपको, और आई होप सो आपको मज़ा आया होगा लंबी देर में घूम के एरिया देख के, जैसा भी लगा मेरे को बताना होगा। अगर आप लोगों को भी जाना है तो मैं पिन कर दूंगा वहाँ का एड्रेस, आप वहाँ से भी जा सकते हो लंबी देर में। ठीक है, टिल देन वेट कीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।